For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. कहने वाले बहुत मिल जाते हैं लेकिन करने वाला सिर्फ सलमान खान है। जी हाँ, ये कहना है राजपाल यादव का। क्या है ये पूरा किस्सा, क्यों कहा है राजपाल ने ये, चलिए बता देती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए अगर राजपाल यादव की, तो हमने कई फिल्मों में राजपाल यादव को कॉमेडी करते देखा है। सलमान खान के साथ भी उन्होंने कई फिल्में की हैं। ऐसे में एक इंटरव्यू का क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर इस वक्त छाया हुआ है, जहाँ पर राजपाल यादव से जब सलमान खान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने खुद विटनेस किया है किस तरीके से वो इंसान कितनी फैमिलीज को पाल रहा है। क्यों सलमान खान इतनी ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देने के बाद भी नंबर वन रिचेस्ट एक्टर नहीं है, क्योंकि वो इंसान हर जगह चैरिटी कर रहे हैं और सलमान दिखाता नहीं है, सलमान बोलता नहीं है, सलमान करता है। उसके साथ साथ राजपाल यादव ने ये भी कहा कि मैं हर दुख में हर सुख में उनके साथ ही रहूंगा, चाहे वो जैसे भी हालात में हो, लेकिन मैं कभी उनको सपोर्ट करना या साथ देना उनका नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ साथ राजपाल यादव ने ये भी कहा कि सलमान खान को मैंने खुद देखा है कितनी फैमिलीज का वो पेट पाल रहे हैं, कितनी फैमिलीज को पाल रहे हैं, वो पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं लिटरली। और ये बात छुपाई नहीं छुपी है, हर कोई इस बात की सच्चाई को जानता है। सो राजपाल यादव के मुँह से सलमान के बारे में इतनी सारी अच्छी बातें सुनी है। अब इस चीज़ पर आपका क्या रिएक्शन है, ये आप मुझे जाकर बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। और ये बात तो सच है जिसमें राजपाल यादव ने कहा कि करने वाले बहुत कम होते हैं और करने वालों में से जो है वो है सलमान खान, ये मैं भी मानती हूँ। आपका क्या कहना है ये आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। बात मदद करने की हो और सलमान खान पीछे रहे, ऐसा कभी नहीं हुआ है और ना ही कभी हो पाएगा। जी हाँ, वेल सलमान खान ने फिर से एक और बार साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें गोल्डन हार्ट मैन कहा जाता है। वापस से सलमान खान ने डेली वेज अर्नर्स के लिए खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा ली है। क्या ये पूरी कहानी आपको चलिए बता देती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। सलमान खान ने खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा ली है। जी हाँ, इस बात की जानकारी सलमान ने खुद नहीं दी, ना ही सलमान के किसी पब्लिक हाउस ने दी, क्योंकि सलमान नहीं चाहते थे कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और फिर वो लाइमलाइट में आने की कोशिश करें या फिर दिखावा लगे। इस बात की जानकारी दी बाबा सिद्दीकी ने। जी हाँ, बाबा सिद्दीकी सलमान खान के काफी अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया जहां पर उन्होंने लिखा, थैंक यू सलमान खान फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड जिस तरीके से आप भी सामने वालों की मदद कर रहे हो, यानी कि कोई भी भूखा ना सोए इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। सलमान खान पूरी तरीके से इस बात का ध्यान रखते हैं। इनफैक्ट सलमान, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि सलमान जो है वो 25,000 वेज वर्कर्स जो है, वेज पर डे वेज अर्नर्स जो है, उनकी जिम्मेदारी तो उठा ही रहे कि उनको फाइनेंशियली कमी ना हो किसी चीज़ की, लेकिन अब खाना भी पहुँचा रहे हैं डोर टू डोर। जी हाँ, यानी कि पैकेजेस, बहुत सारे कार्टन्स, बहुत सारे जो बंडल्स हैं, पैकेजेस हैं खाने के, वो रेडी किए जा रहे हैं। मील किट्स रेडी किए जा रहे हैं, जिसकी फोटो मैं आपको दिखाती हूँ। ये फोटोज हैं मील किट्स की जो सलमान खान के गोडाउन हाउसेज में या फिर बाकी गोडाउन हाउसेज में रेडी करवाए जा रहे हैं थ्रू सलमान खान, ताकि कोई भी इंसान भूखा ना सोए। इतनी सारी तैयारियां सलमान बैठे बैठे अरेंज कर रहे हैं सारी चीजें, और किसी भी चीज की कमी नहीं पड़नी चाहिए लोगों को, कोई भी भूखा पेट ना सोए, ये सलमान की गुजारिश है। आप सब क्या कहना चाहेंगे इस नेक काम के लिए सलमान खान को, ये कमेंट सेक्शन में जाके मुझे भेजिए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। सलमान खान ने कह दिया है थैंक यू। जी हाँ, क्यों कहा है और कौन सी दो पिक्चर्स शेयर की है जिनके साथ थैंक यू कहा है वो आपको बता देती हूँ। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। बात की जाए सलमान खान की, तो हाल ही में सलमान ने दो फोटोज शेयर की हैं। अब ये दो फोटोज हैं, एक है फोटो कब्रिस्तान की और दूसरी फोटो है जहाँ पर एक पूरा सुनसान रास्ता है और कोई लोग नजर नहीं आ रहे। एंड आई थिंक कि वो फोटो शायद बांद्रा की है, ऐसा मुझे लग रहा है, बांद्रा की गलियों की या रास्तों की। ऐसे में सलमान ने ये दो फोटो शेयर की और लिखा है कि थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन को समझने के लिए शुक्रिया, क्योंकि ये दोनों ही रास्ते टोटली खाली नजर आ रहे हैं। कब्रिस्तान खाली नजर आ रहा था, बंद किया हुआ कब्रिस्तान नजर आ रहा था और रास्ते भी खाली थे। ऐसे में कहीं ना कहीं सलमान ने थैंक यू तो कहा ही, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ सेक्शन है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि हर जगह जाकर तबाही मचा रहे हैं, कोरोना वायरस को भी स्प्रेड करने में मदद कर रहे हैं। और इसी के चलते सलमान ने भी ये पोस्ट शेयर किया है कि आपको चाहे ईद हो, चाहे जुम्मा हो, चाहे जो भी मर्जी हो, आपको जो भी दुआएं करनी है वो आप घर पर बैठकर भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं और अल्लाह आपकी दुआ सुनेंगे भी घर पर बैठकर, लेकिन बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ ऐसे सोशल गैदरिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है। ये सलमान ने मैसेज दे दिया है कहीं ना कहीं, और डेफिनेटली सलमान का मैसेज काफ़ी लोगों तक ज़रूर पहुँचा होगा और उन्हें अकल भी आई होगी थोड़ी सी।
तो साथ ही साथ सलमान ने थैंक यू तो कह दिया है और ये भी कहा है कि इस वक्त इस सिचुएशन की गंभीरता को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सलमान का तो ये कहना है, आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। आसिम रियाज ने अनफॉलो कर दिया है जॉन सिना और साथ ही साथ एजाज खान को। क्यों किया है आसिम ने अनफॉलो, चलिए पूरा किस्सा आपको बता देते। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहर। बात की जाए अगर आसिम रियाज की तो बिग बॉस सीजन 13 के बाद से ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही ज्यादा फेम मिल चुका है आसिम रियाज को। ही इज नाउ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटीज। उसके अलावा अगर बात की जाए तो बिग बॉस के समय एजाज खान और जॉन सिना दोनों ने ही काफी सपोर्ट किया था आसिम रियाज को, लेकिन ये क्या बाहर आते ही आसिम ने उन दोनों को कुछ वक्त बाद अनफॉलो कर दिया, ये अपने आप में एक शॉकिंग खबर है। इसके अलावा इस खबर पर रिएक्ट करते वक्त एजाज खान ने भी ट्वीट किया है। जी हाँ, एजाज खान ने ट्वीट कर कहा कि आसिम मेरे भाई, तूने मुझे अनफॉलो कर दिया, दैट्स ओके, बट आई लव यू, मे अल्लाह विल ऑलवेज बी विद यू, बट मैं तुझे अनफॉलो नहीं करूँगा बिकॉज आई लव यू एंड आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट फॉर यू, एंड अब तो तुम एक सेलिब्रिटी बन चुके हो, सो इट्स टाइम टू लीव यू अलोन सो दैट यू कैन फ्लाई। इस तरह का एक पॉजिटिव मैसेज एजाज खान ने तो दे दिया है, लेकिन आसिम रियाज ने क्यों अनफॉलो किया इस पर अभी तक कोई रिएक्शन आसिम ने नहीं दिया है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है जो कि ट्विटराटीज यानी कि फैंस जो हैं, फैंडम्स ये कह रहे हैं काफ़ी सारे कि अब जब मतलब निकल गया तो आसिम रियाज ने जॉन सिना से लेकर एजाज खान इन दोनों को ही अनफॉलो कर दिया, जबकि इन्हीं दोनों लोगों ने कहीं ना कहीं तक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था आसिम के आर्मी को। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आसिम जो है इन चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं। बट आपको क्या लगता है क्यों आसिम ने जॉन सिना और एजाज खान को अनफॉलो किया होगा, ये आप हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस इज ज्योति नाहर साइनिंग ऑफ। Damn good, yeah. Was damn good, yeah. हाय गाइस, मैं हूँ सलमान और ये है निर्वाण। निर्वाण, हम लोग यहाँ पर आए थे कुछ दिनों के लिए, अब हम यहीं पर हैं। तो हम लोग तो भाई डर गए, करेक्ट? करेक्ट। तो निर्वाण सोहेल के साहबजादे हैं, सोहेल के बेटे हैं। इन्होंने अपने फादर को कब से नहीं देखा? 3 हफ्ते तो हो गए। मैंने अपने फादर को 3 हफ्ते से नहीं देखा क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, हमारे फादर अकेले घर पर हैं। डू यू रिमेम्बर द डायलॉग, जो डर गया समझो मर गया। वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता। हम लोग डर गए और बड़ी बहादुरी से कह रहे हैं कि हम लोग डर गए। आप ज़्यादा ब्रेव मत बनो क्योंकि इसमें यू थिंक एनी पॉइंट इन बीइंग ब्रेव इन दिस? No, I think it's better for everyone to stay home, avoid contact, and I think the longer we stay indoors, the faster this ends. जी, तो जो डायलॉग था, जो डर गया समझो मर गया, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करता है। जो डर गया समझो बच गया, और उसने बहुत सारे लोगों को बचाया भी। थैंक यू। मॉरल ऑफ द स्टोरी कि हम डर गए थे।
आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते हैं अक्षय कुमार कि वो रियल लाइफ हीरो नहीं रियल लाइफ हीरो बन जाते हैं। जी हाँ, और हाल ही में अक्षय कुमार ने ऐसा क्या किया है वो भी आपको बता देते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवी जड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। 25 करोड़ यानी कि सबसे बड़ा डोनेशन कहीं ना कहीं फिल्म स्टार्स में से अक्षय कुमार ने दिया ही था। उसके बाद अब अक्षय कुमार ने 3 करोड़ रुपए, जी हाँ, वापस से 3 करोड़ रुपए दिए हैं बीएमसी को। बीएमसी को इसलिए दिए हैं ताकि जो पीपीई किट्स हैं वो बनाई जा सके, जो टेस्ट किट्स हैं वो बनाई जा सके, मास्क बनाए जा सके। जो लोग रोज बाहर काम कर रहे हैं, बीएमसी जिनको सप्लाई कर रही है, खाना सप्लाई कर रही है घर घर जाकर, या फिर यू नो रोड पर जो पुलिस है, जो ट्रैफिक पुलिस है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इन सब को लेकर बीएमसी को ध्यान में रखते हुए अक्षय कुमार ने 3 करोड़ का वापस से एक मेगा डोनेशन किया है ताकि कहीं ना कहीं इन सभी के लिए वो किट्स जो है रेडी हो पाए। अब ऐसे में अक्षय कुमार को आप रियल लाइफ हीरो ना कहें तो क्या कहें। सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि और भी तमाम ऐसे एक्टर्स हैं। हाल ही में वरुण धवन ने भी खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है कहीं ना कहीं। साथ ही साथ बात की जाए तो टेलीविजन स्टार्स भी इसमें पीछे नहीं है। पारस और माहिरा भी खाना पहुंचा रहे हैं काफ़ी लोगों तक। तो कहीं ना कहीं हर कोई अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले रहा है, एक कोशिश कर रहा है बहुत सारी चीज़ें सही करने की और लोगों की जितनी ज़्यादा हो सके उतनी मदद करने की। तो अक्षय कुमार के इस नेक स्टेप पर आपकी क्या राय है ये आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म का फाइनली पोस्टर आया जहां पर उनके इस अवतार को लोगों ने बहुत पसंद किया। लेकिन ये फिल्म अल्लू अर्जुन से पहले किस एक्टर को यानी किस सुपरस्टार को ऑफर हुई थी वो आपको मैं बता देती हूं। चलिए स्वागत करती हूं आप सभी का मूवीज अड्डा में। वेल हेलो गाइज, मैं हूं ज्योति नाहक। बात की जाए अगर अल्लू अर्जुन की तो उनका हाल ही में जो पोस्टर आया है लोगों को बेहद पसंद आया है। उनका ये रग्ड अवतार, रफ एंड टफ अवतार, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट नजर आ रहे हैं और बहुत ही ज्यादा एंशियस और यू नो एक इंटेग्रिटी उनकी आंखों में नजर आ रही है, इंटेंसिटी नजर आ रही है। ऐसे में हाल ही में एक वेबसाइट के जरिए इस बात का खुलासा हुआ कि ये फिल्म पहले ऑफर की गई थी महेश बाबू को। जी हाँ, साउथ के दो नामचीन सुपरस्टार्स हैं, चाहे महेश बाबू हो चाहे अल्लू अर्जुन हो। ऐसे में अल्लू अर्जुन से पहले महेश बाबू के लिए ओरिजिनली ये कैरेक्टर लिखा गया था और उनके लिए ही ये रोल जो है उन्हें सोचकर लिखा गया था। लेकिन जब डायरेक्टर ये फिल्म अल्लू अर्जुन के पास नहीं बल्कि महेश बाबू के पास लेकर गए तो उन्होंने इस बात को कहा कि मैं ऐसा कैरेक्टर पसंद नहीं करता जो कि ज़रा सा ग्रे शेड में हो। ग्रे शेड के कैरेक्टर्स महेश बाबू को पसंद नहीं। और उसके साथ साथ महेश बाबू ने ये भी कहा कि उनके फैंस जो है कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड है उनके गुड लुक्स को लेकर, तो वो ऐसे रोल्स करना प्रेफर नहीं करते जिसमें कि उन्हें टोटल ड्रास्टिक चेंज ओवर करना पड़े, यू नो अपने लुक का मेकओवर करना पड़े बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उनके फैंस फिर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे एंड कहीं ना कहीं फिर वो एक डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। ऐसे में साथ ही साथ अल्लू अर्जुन की ये जो फिल्म है, जो पुष्पा जो आने वाली है, उसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कोशिश की फिर भी महेश बाबू को कन्विंस करने की, और महेश बाबू ने हाँ भी की। लेकिन कुछ डिफरेंसेस के वजह से, क्रिएटिव डिफरेंसेस, क्योंकि महेश बाबू चाहते थे कि कुछ चेंजेस किए जाएँ स्क्रिप्ट में ताकि जो ये रग्ड जो ग्रे शेड है वो ना दिखे ऑडियंस को, लेकिन डायरेक्टर जो है वो अपनी स्क्रिप्ट को लेकर पक्के थे तो उन्होंने फिर ये प्रोजेक्ट वो लेकर गए अल्लू अर्जुन सर के पास। तो ये कहानी थी कि ये महेश बाबू से कैसे अल्लू अर्जुन के पास आई। और मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड हो चुकी हूँ ऑलरेडी पुष्पा का पोस्टर देखकर। आप लोगों का क्या रिएक्शन है ये आप मुझे कॉमेंट्स करके बताइए।